हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमएपी नॉलेज बैंक। आज मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को कौन कौन सी चीज़ें इंस्टॉल की जाती हैं, कैसे इंस्टॉल की जाती हैं, और लोड शेड्यूल क्या होता है, इसको कैसे हम पढ़ते हैं, और इसमें किस किस्म की इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, कहाँ से हमारे पास इनकमर आता है डीबी के लिए, और कैसे आउटगोइंग सर्किट को जाता है, क्या सेफ्टी होती है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, एक आपके सामने एक वीडियो डीबी है, इलेक्ट्रिकल डीबी, इसको हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे एमसीसीबी लगे हुए हैं, सॉरी एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं, और आप देख सकते हैं डिफरेंट एम्पेयर्स के, मोस्टली 32 एम्पेयर्स के, 32 एम्पेयर्स के जो एमसीबी हैं वो हमारे पावर सॉकेट के लिए यूज़ किए गए हैं, जबकि 20 एसी के लिए यूज़ किए गए हैं, और लाइटनिंग के लिए भी 20 समवेयर, एज यू कैन सी मोस्टली 20 है, लाइटनिंग लोड के लिए 20 यूज़ किया है, जबकि पावर सॉकेट के लिए 32 यूज़ किया गया है। जैसा कि आप ये नीचे देख सकते हैं, एक आइसोलेटर है और दो ELCB और RCD भी कहते हैं, दो ELCB भी हैं डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग की, और आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि हमारा लोड शेड्यूल लगा हुआ है। आपको मैं सबसे पहले लोड शेड्यूल के बारे में बताऊंगा कि इसको कैसे पढ़ते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन इसमें होती है। सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें प्रोजेक्ट नेम होता है, और देन प्रोजेक्ट लोकेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन रेफरेंस नंबर, जैसे कि आप देख सकते हैं डिपेंड करता है आप किस एरिया में कौन सी डीबी है, उसके लिहाज से आपको मार्क करना पड़ता है डीबी का डीबी नंबर, रेफरेंस नंबर। देन फीड फ्रॉम वेयर, कहाँ से फीड हो रही है, SMDB, MH, GS2, इस डीबी को कहाँ से सप्लाई मिल रही है, वो SMDB, और ये उसका एड्रेस है, और ये इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की लोकेशन है जैसा कि आप देख सकते हैं। देन मेन ब्रेकर टाइप एंड रेटिंग, इसका मेन जो ब्रेकर है उसकी रेटिंग क्या है, और क्या चीज़ है, आइसोलेटर है और MCCB, जैसा कि आप ये देख सकते हैं लिखा हुआ है 40 एम्पेयर ट्रिपल पोल आइसोलेटर प्लस 2 RCD रेजिडुअल करंट डिवाइस, इसको ELCB भी कहते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं आगे लिखा हुआ है 12 वेज, और मेन इनकमिंग केबल इसकी जो है 4 कोर 10 mm स्क्वेयर, ये इंसुलेशन की टाइप है क्रॉस लिंक पॉलीथिलीन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है XLPE, और SWS स्टील वायर आर्मोडेड PVC। इसकी एब्रीवेशन ये है कि आपका जो कंडक्टर है उसके ऊपर PVC इंसुलेशन है, PVC इंसुलेशन के बाद उसके ऊपर स्टील वायर आर्मोडेड है वो केबल, देन उसके बाद जो एक्सटर्नल ब्लैक कलर का जो कोर है वो क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन मटेरियल का बनाया गया है। इस मटेरियल की ये खसूसियत है कि इन केस ऑफ फायर आपकी केबल को बर्न होने में टाइम लगेगा, फायर रेजिस्टेंस जिसको आप बोल सकते हैं वो प्रोवाइड करती है। उसके बाद आप देख सकते हैं प्लस 1C1 कंडक्टर 10 mm स्क्वेयर ECC अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर येलो एंड ग्रीन, तो ये हमारा मेन इनकमर है, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं ये हमारा मेन इनकमर आ रहा है, ये हमारी केबल का साइज है, इसमें 4 कोर केबल है 10 mm स्क्वेयर की, और ये आप देख सकते हैं इसके साथ 10 mm स्क्वेयर का एक एडिशनल केबल भी आ रही है, वायर आ रही है 10 mm स्क्वेयर की, जिसका कलर ग्रीन एंड येलो है, ये हमारा मेन इनकमर है। उसके बाद हमारा मेन इनकमर डायरेक्टली हमारा आइसोलेटर में आता है, जिसकी रेटिंग आप ऑलरेडी देख चुके हैं, 40 एम्पेयर है, ट्रिपल पोल है, और इसके बाद यहाँ से आपकी लूप होने के बाद RCCB में जाती है, और ELCB भी इसको बोलते हैं, इधर से दोनों के इनकमर में लूप होती है, और डीबी का एक्सटर्नल व्यू आपको मैंने दिखा दिया है, ये 12 वेज है। आप कैसे जान सकते हैं कि ये कितने वेज की डीवी है, आप देख सकते हैं L1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेफ्ट साइड पे और 6 राइट साइड पे, टोटल हो गए आपके 12 वेज। तो ये आपकी डीबी है 12 वेव्स, डबल सेक्शन डीबी, सेक्शन 1 ऊपर वाला, सेक्शन 2 नीचे वाला, और जब भी आप कभी सेक्शन के हिसाब से आपकी डीबी होगी तो उनका RCC भी डिफरेंट डिफरेंट होगा, इसको RCD भी बोलते हैं, RCCB भी बोलते हैं। और अभी मैं आपको बताता चलूं, जब भी आप कभी देखेंगे तो आपका डोर जो है हमेशा अर्थ के साथ कनेक्टेड होगा, इन केस ऑफ अर्थ लीकेज और लीकेज करंट नोबडी विल लिंक्ड विद द
वोल्टेज. सो प्रिकॉशन के तौर पे हमारे डोर को ऑलवेज कनेक्टेड विद द अर्थ कंडक्टर. अभी मैं आपको डीबी ओपन करके बताऊंगा इंटरनली स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे हम इसको देखते हैं और किस चीज़ की प्रिकॉशन को हमें देखना चाहिए. जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मैंने डीबी को ओपन किया है. आप देख सकते हैं ये आर्मोरेटेड केबल है जो ऊपर से हमारी डीबी एसएमडीबी से आ रही है. डायरेक्टली हमारे पास आएगी आइसोलेटर में. थ्री पोल आइसोलेटर है. ये इनकमर आ रही है रेड येलो ब्लू, देन न्यूट्रल हमारी कनेक्टर में लगी है. और यहाँ से आगे देख रहे हैं आप जैसा कि टू वायर्स निकल रही हैं और ये एक इधर आ रही है और एक इधर आ रही है. और उसके बाद यहाँ से आउटपुट होके आप देख सकते हैं दो केबल्स निकल रही हैं, दो येलो दो दो रेड एंड देन दो ब्लू. और दोनों आरसीसीबी में आ रही हैं. ये ऊपर इनकमर पार्ट है इसका. ये देखें आप जैसा कि देख सकते हैं, हमेशा आरसीसीबी में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी न्यूट्रल कनेक्टेड हो. अगर आपकी न्यूट्रल कनेक्टेड नहीं होगी तो आपका आरसीसीबी इन केस ऑफ लीकेज और शॉर्ट सर्किट ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा. सेम आप देख सकते हैं, एक न्यूट्रल यहाँ आ गई, एक न्यूट्रल दूसरी ईएलसीबी में आ गई और देन तीनों फेस आ गए रेड येलो ब्लू. देन नीचे से इसके निकल के बस बार सेक्शन में आके कनेक्ट हो रही है. ये ईएलसीबी वन है और ये हमारे सेक्शन वन को सप्लाई दे रही है. जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऊपर केबल्स आ रही हैं रेड येलो ब्लू टॉप की तरफ और टॉप से आ रही हैं. और ये हमारी बस बार है, थ्री फेस बस बार है. फर्स्ट हमारी जो बस बार है वो रेड है, देन येलो देन ब्लू. तीन कंपार्टमेंट है, एक दो तीन, तीन कंपार्टमेंट है. और इसमें आप देख सकते हैं ब्रेकर्स लगे हुए हैं. ईच कंपार्टमेंट में छः ब्रेकर हैं. और ये हमारे वन वे एक साइड, टू वे एक साइड, देन थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स वे एक सेक्शन में है जबकि दूसरे सेक्शन में सिक्स वे हैं. सेम एज इट इज़ जैसे अबव है. और इसके भी आप केबल देख सकते हैं आरसीसीबी टू से इसमें लिंक कर रही है. और ब्रेकर आप देख सकते हैं इसमें, ये आपका सर्किट वन है, आर वन है. और ये सर्किट की रेटिंग जो है मिनीचर सर्किट ब्रेकर की जो रेटिंग है 32 एम्पेयर है. और ये आप देख सकते हैं दो केबल्स इसमें से निकल रही हैं. दो केबल्स क्यों निकल रही हैं, सॉरी दो वायर्स इसलिए निकल रही हैं, ये आपकी सॉकेट के लिए जा रही है और जिस सॉकेट को ये सप्लाई कर रही है वो रिंग में कनेक्टेड है. रिंग सर्किट में क्या होता है, आपकी एक एंड एक पॉइंट से फेस वायर स्टार्ट होती है. जहाँ पे आपका लास्ट सॉकेट होती है वहाँ पे भी आपकी इसी ब्रेकर से कनेक्टेड होती है, यानी कि दोनों तरफ से फीड की जा रही होती है. इन केस फ्यूचर कोई एक केबल भी ब्रेक हो जाती है आपको सप्लाई मिलती रहेगी और आपको आप ज़्यादा लोड भी उस पर डाल सकते हैं क्योंकि करंट सप्लाई करने के दो रास्ते हैं. और आप देख सकते हैं इसमें नीचे न्यूट्रल बार है, न्यूट्रल बार है. और जबकि हमारी राइट साइड पे अर्थ बार है, अर्थिंग बार है. आप देख सकते हैं बहुत सारी केबल इसके साथ कनेक्टेड है. और इन दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है, अक्सर ये सवाल किया जाता है कि न्यूट्रल बस बार में और अर्थ बस बार में किस चीज़ का डिफरेंस होता है. इसमें डिफरेंस इस चीज़ का होता है, आपकी अर्थ बार जो होती है डायरेक्टली डीबी के ऊपर लगाई जाती है नट बोल्ट के थ्रू, बीच में कोई भी आइसोलेटर नहीं होता. जबकि न्यूट्रल बार जो होती है आपकी हमेशा आइसोलेटर के साथ लगाई जाती है, यानी कि डीबी की बॉडी के साथ लिंक नहीं करती क्योंकि ये हमारी डीबी भी अर्थ हुई होती है. जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर से आर्मोरेटेड केबल आ रही है, आर्मोरेटेड केबल भी इसके साथ लिंक कर रही है. और ये मेन अर्थ इस बॉडी की, इस डीबी की बॉडी के साथ नट बोल्ट के साथ टच हुआ हुआ है. ये आपकी पूरी बॉडी अर्थ हुई हुई है. इवन के आपकी ये जो ट्रंकिंग है ये भी अर्थ हुई हुई है. इन केस ऑफ एनी फेस विल लिंक विद द बॉडी सो इट विल गेट ट्रिप. सो आपको ये वीडियो होपफुली पसंद आई होगी और इसमें डिफरेंट सर्किटेज हैं. और आप देख सकते हैं फिरोल लगाए हुए हैं इस पे सर्किट रेफरेंस डालने के लिए, ताकि इन फ्यूचर हम अगर कोई ट्रबल शूट करना चाहते हैं और किसी सर्किट का रेफरेंस नंबर जानना चाहते हैं या किस लोकेशन पे है, तो उसके लिए ये फिरोल भी लगे हुए हैं. और आपको लोड शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा और ब्रीफली बताऊंगा कि आर वन क्या है और इसका क्या मकसद है, इसको मार्किंग करने का क्या मकसद है. आपको लोड शेड्यूल की तरफ लेके जाता हूँ मैं.
जैसा कि नाज़रीन आपको मैंने बताया ये R1 का क्या मकसद है, ये मैं आपको लोड शेड्यूल से बताऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं सर्किट रेफरेंस नंबर है R1, और हमारा RCC भी जो इसके साथ लगा हुआ है, सॉरी MCCB, MCB रेटिंग क्या है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर की, 32 एम्पेयर्स। और उसके आगे आप देख सकते हैं फेस एंड न्यूट्रल न्यूट्रल साइज, दो वायर्स हैं 4 mm स्क्वायर की, जबकि अर्थ वायर भी दो हैं 4 mm स्क्वायर की, और ये सप्लाई कर रहा है 13 एम्पेयर की सॉकेट को मेल एंड फीमेल प्रेयर रूम। ये आपका सर्किट नेम और पॉइंट रेफरेंस नंबर है, और इस पे कितनी सॉकेट्स लगी हैं, 5। ईच सॉकेट पे हमारा क्या लोड है, 0.20, और ये कौन से फेस पे है, रेड पे। और आगे आप देख सकते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, आपका कोई भी लोड है वो हर वक्त ऑन नहीं रहता, सो एक स्टैंडर्ड है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके थ्रू हम डाइवर्सिटी फैक्टर लेते हैं सॉकेट्स का, लाइट का, एसी का। सो इसका डाइवर्सिटी फैक्टर 0.8 है। आफ्टर डाइवर्सिटी फैक्टर हमारा लोड क्या आ जाता है, 0.8 किलोवाट। और ये आप देख सकते हैं आगे रिमार्क्स में रिंग लिखा हुआ है, रिंग सर्किट का, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपकी फेस वायर दोनों तरफ से लिंक करती है, और इन केस एक वायर ब्रेक हो जाए और आपका हैवी लोड हो तब भी आपका करंट सप्लाई करने के दो रास्ते होंगे, जिसकी वजह से आपकी सर्किट पे लोड ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं एक और लोड शेड्यूल है, ये डबल सेक्शन DB है, तो डबल सेक्शन DB में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन की डिफरेंट लोड शेड्यूल होंगे। और इसमें भी आप देख सकते हैं आपकी मेन इनकमर केबल सब कुछ सेम होगी, सब डिफरेंस आप देख सकते हैं, ये R7 से स्टार्ट हो रही है, R7 से स्टार्ट हो रही है, ऊपर हमारे R B6 पे एंडिंग हो रही है सेक्शन की, जैसा कि आप DB में भी देख सकते हैं B6 पे सेक्शन 1 की एंडिंग हो रही है, जबकि R7 से स्टार्ट हो रही है। तो नीचे वाले शेड्यूल पे हमारे दूसरा जो सेक्शन है उसकी डिटेल दी होगी, सर्किट रेफरेंस और सब कुछ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो हासिल करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन, सो यू विल गेट नोटिफिकेशन, सो यू विल नॉट मिस एनी वीडियो। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।